गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मायसेल्फ अशोक कुमार गोयल फ्रॉम जीपीसी 12। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी वेरियस यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, आज हम बात करेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे काम करता है, उसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं और वो वर्किंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक छोटा सा लेआउट बनाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखें मेन पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो इसमें एक पिस्टन और सिलेंडर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यानी इसमें पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन से हम एयर को सक्शन और कंप्रेशन में क्रिएट करेंगे। तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर इन विच एयर इज सक्ड इन अ चैम्बर एंड कंप्रेस विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन। तो जैसा मैंने अभी बताया कि एयर इज सक्ड इन अ चैम्बर या इन अ सिलेंडर, जैसे ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है। आप देखें, दिस इज कनेक्टिंग रोड, दिस इज पिस्टन, ये सक्शन वॉल्व है जहाँ पर हम एयर को सक करेंगे, ये एयर फिल्टर है ताकि जो एयर हम सक करें वो फिल्टर होके अंदर एंटर करे इस सिलेंडर के अंदर। ये क्रैंकशाफ्ट, जो मोटर ड्रिवन क्रैंकशाफ्ट है, एक मोटर लगी हुई है उससे हम इस क्रैंकशाफ्ट को ड्रिवन कर रहे हैं। तो ये पिस्टन जब ऊपर नीचे मूव करेगा तो हमारा सक्शन और कंप्रेशन होगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का वो ये है कि व्हेन पिस्टन मूव्स टुवर्ड द बीडीसी, जब बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन मूव करेगा, एयर इज सक्ड इनटू द सिलेंडर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल से जो हवा है वो अंदर सक होगी, क्योंकि जब पिस्टन टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर का प्रेशर कम है, ये वाल्व ओपन हो जाएगा और ओपन होने की वजह से ये जो एयर है वो थ्रू फिल्टर अंदर सक कर जाएगी। एंड देन व्हेन द पिस्टन मूव्स टुवर्ड द टीडीसी, जब पिस्टन बीडीसी से वापस टीडीसी टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो द इट कंप्रेस द एयर एंड कीप ऑन गोइंग प्रेशर इंक्रीजेस, यानी जब अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये यहाँ पर इस जो एयर सक की है वो कंप्रेस होगी, और कंप्रेस कब तक होगी, जब तक कि हमारी डिजाइन लिमिट तक हम इसको इसका प्रेशर अचीव नहीं कर लेते। जब ये डिजाइन लिमिट तक प्रेशर बढ़ जाएगा तब ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा और ये कंप्रेस्ड एयर इज डिलीवर्ड टू द स्टोरेज टैंक, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन से हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पर जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो सक्शन होगा, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो कंप्रेशन होगा, और ये कंप्रेशन वॉल्व तब ओपन हो जाएगा जब इस एयर का प्रेशर, जो भी हमारा डिजाइन प्रेशर है उस पर्टिकुलर कंप्रेशर का, उस तक पहुंच जाएगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, और ये वाल्व ओपन होने के बाद ये जो डिलीवरी है हमारी इस एयर की वो कहाँ हो जाएगी, स्टोरेज टैंक में, और यहाँ एक वाल्व लगा रहता है, इस वाल्व से हम इसको डिफरेंट यूज हम इसका कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हुआ, एक तो पिस्टन, ये पिस्टन, देन सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, सक्शन वॉल्व एंड डिस्चार्ज वॉल्व, दिस इज द मेन कंपोनेंट। पिस्टन हम जानते हैं इट डज रेसिप्रोकेटिंग मोशन इन द सिलेंडर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्रेशन ऑफ द एयर, सिलेंडर जो है इट इज अ चैम्बर इन विच एयर इज कंप्रेस। ऐसे कनेक्टिंग रोड, इट कनेक्ट द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड जो है वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करती है। क्रैंकशाफ्ट, इट इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफर इट्स रोटरी मोशन टू द पिस्टन, ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट से कनेक्टेड होती है और जो ट्रांसफर कर रही रोटरी मोशन को पिस्टन के मोशन में। इस तरह सक्शन वॉल्व, जैसे ये सक्शन वॉल्व है, यहाँ के थ्रू एयर सक करती है, एक डिस्चार्ज वॉल्व है, ये डिस्चार्ज वॉल्व, तो दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन।
वर्किंग जैसा मैंने अभी आपसे बात की वर्किंग कैसे होती है, दोबारा मैं समझा देता हूँ। When the electric motor start rotating, crankshaft rotates. It means the piston moves to and fro. When this rotating piston reciprocate. When the piston reciprocated from TDC to BDC, air suction takes place. When the piston moves from BDC to TDC, compression process takes place. And finally, when we reach the design limit of pressure, this valve is opened and this compressed air is collected in this storage tank. This is the main function of reciprocating compressor. तो यहां हमने समझा कि मेन पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोटिंग कंप्रेसर क्या है, ये किस तरह से वर्किंग करता है, लेआउट जो हमने बनाया इसका जनरल लेआउट ही हमने बना लिया, इसके जो काम मेन कंपोनेंट है पिस्टन सिलेंडर कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट फंक्शन वो डिस्चार्ज, इनके हमने फंक्शन समझ लिए और वर्किंग हमने समझ ली। इसमें हम एक थोड़ा सी चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ एसेसरीज हैं जो हम इस कंप्रेसर के साथ लगाना चाहेंगे, जैसे कि इनलेट फिल्टर जो होता है ना, जैसे एयर फिल्टर है, इनलेट फिल्टर प्रिवेंट डस्ट एंड अदर पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द कंप्रेसर। जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो गैस सक हो रही है, उस गैस में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं आए, इसके लिए हम एयर फिल्टर लगा सकते हैं। ऐसे आफ्टर कूलर आर इम्प्लीमेंटेड इन डिस्चार्ज लाइन टू लोअर द कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज टेम्परेचर। जो कंप्रेस्ड एयर है उसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए हम एक आफ्टर कूलर यूज कर सकते हैं। इसी तरह सेपरेटर आर यूज टू इंटरटेन लिक्विड फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें जो लिक्विड है उसको हम अलग कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेपरेटर इज इम्पिंजमेंट सेंट्रीफ्यूगल एंड साइक्लोन टाइप। द सेपरेटर शुड बी इक्विप्ड विद ट्रैप एंड ड्रेन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेसरीज वी कैन यूज। इसी तरह प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व। प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व आर यूज टू सप्लाई स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर टू वेरियस न्यूमेटिक इक्विपमेंट। यानी हम जो डिफरेंट तरह के न्यूमेटिक मशीन से या इक्विपमेंट हैं उसमें रेगुलेट करने के लिए हम प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व लगा सकते हैं। ऐसे प्रेशर रिलीफ वॉल्व, इन एवरी कंप्रेसर देयर विल बी अ प्रेशर रिलीफ वॉल्व फॉर सेफ्टी। द रिलीफ वॉल्व should be set to open at no higher than 10% above the maximum working pressure and periodically checked for proper operation. यानी इसकी जो maximum working pressure है उसका 10% ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इस तरह से हम इसको use करते हैं। तो ये हमारा main component of reciprocating compressor हो गया and various accessories of reciprocating compressor हो गया।